हेलो दोस्तों, मैं हूँ संतोष निगम। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बैक बेंचेस ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरू करेंगे आज की वीडियो को। जो भी कल मैंने आपको लेवल्स दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, उनके साथ में, तो गाइस कल मैंने आपको कहा था 15,730 के ऊपर बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी जो है वो बुलिश हो जाएगी। देखिए, ये तो निफ्टी जो है वो गैप अप ओपन हो गई थी। गैप अप ओपन होने के बाद में सी साइड की एक कॉल दी थी मैंने इस लेवल पर निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी में, लेकिन उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं थी। थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट हुआ था और हम लोगों ने इस लेवल पे हमारा एक लॉस हो गया था, तो स्टॉप लॉस भी बुक कर लिया था हम लोगों ने। लेकिन देखने वाली चीज़ ये है गाइस कि देखिए, यहाँ पे इस लेवल पे ये रिस्पेक्ट कर रहा था और फॉल जो हुआ है इसी लेवल से हुआ है। उसके बाद में काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पे 15,671 पे लेवल तक आया था, फिर यहाँ से उछाल आया था, फिर नीचे जा करके फिर से एग्जैक्टली इसी लेवल को वो रिस्पेक्ट कर रहा था। मैं जब भी आपको बैंक निफ्टी पे सारी चीज़ें समझाऊंगा तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर को यहाँ पर कैप्चर किया था। देखिए, यहाँ पे इस लेवल पे एक थोड़ा सा धुंधला धुंधला आप लोग को हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। देखिए, इस लेवल पे किया था, यहाँ पे इस लेवल पे नीचे आकर के जब इसने रीटेस्ट करके इसको ब्रेकआउट दिया था, तो 195 पे मैंने आप लोगों से मैंने मतलब अपने प्रीमियम ग्रुप में मैंने एक पीई दी थी जो कि एग्जैक्टली गई थी 400 का जो लेवल था वहाँ तक गई थी। सारे लेवल्स मैं सिर्फ फ्यूचर के चार्ट पे नहीं निकालता हूँ, कुछ सीईपी के लेवल पे भी मैं मतलब चार्ट पे भी कुछ लेवल्स निकालते रहता हूँ। आप लोगों के लिए देखने के लिए ज़रूरी चीज़ है ये है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो गाइस, 195 की कॉल 400 गई थी, विद टारगेट गई थी, टारगेट भी दिया हुआ था मैंने इसका कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अब देखिए, आप लोगों को देखने वाली चीज़ ये है कि लॉस जो होता है, ऐसा नहीं होता है कि लॉस आपको होता है, लॉस हम लोग को भी होता है गाइस। देखिए, इस लेवल पे, इस लेवल के ब्रेकआउट पे मैंने आज मॉर्निंग में सी की कॉल दी थी जो कि गई नहीं थी। नीचे आने के बाद में टाइम डिके की वजह से इस लेवल पे मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था 50 पॉइंट्स का। तो 50 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में पूरा दिन भर मैं भी वेट करता रहा कि यार प्रीमियम ग्रुप में देने के लिए कोई तो अच्छी कॉल आए, कोई तो अच्छा मोमेंटम आए। एक्सपेक्टेशन था 35,559 को ये ब्रेकआउट कर जाए, क्योंकि तब तक जो डाटा बन रहा था वो बुलिश बन रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे ये हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न दिखा और अच्छा खासा मोमेंटम, अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया था, तो मुझे पता चल गया था कि ऑप्शन के चार्ट पे ये जो कॉल है इसको 400 का टारगेट आने वाला है, जो कि 195 से लेके 400 का काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम लोग को मिला था। ऐसी चीज़ें जो होती है वो बार बार नहीं होती, कभी कभार हो जाती। आज हम लोगों ने इसे कैप्चर किया था, लेकिन सुबह से अगर आप लोग देखोगे ठीक से तो बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा पेशेंट टेस्ट किया था, पूरा का पूरा इसने पूरा दिन जो है वो वेट करने को लगाया था चार्ट को देखते देखते, और फिर लास्ट में एक ऐसा मोमेंटम आया कि जिसमें अच्छा खासा जो है प्रॉफिट हो गया। इस लेवल पे भी देखिएगा, इस निफ्टी के इस लेवल पे मैंने सीई की एक कॉल बाई करवाई थी। देखिए, इस लेवल पे जिसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट जो है वो हुआ था। कुछ अराउंड 25 को मैंने इसकी सीई बाई करवाई थी और 37 तक वो गई थी, 10 पॉइंट्स मिले थे। 27 to 37 आरओआई देखने जाओगे तो काफ़ी अच्छा आरओआई है, इसमें हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिला। उसके बाद में गए जो इंट्राडे के जो भी मैंने आप लोगों को कॉल्स दिए थे, उसमें अगर आप लोगों ने ठीक से ऑब्जर्व किए रहेंगे सारे कॉल्स को, तो दो कॉल जो है गाइज वो आज पूरे दिन भर साइडवेज रहे थे। देखिए, यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है गाइज, देखिए इस लेवल पे अगर आप लोगों को कहीं पे आप लोगों ने बाय किया भी है तो भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और आप लोगों ने जिस लेवल में बाय किया है ये बार बार उसी लेवल्स के आसपास था, यानी कि पूरे दिन भर आपको चांस दे रहा था कि आप कहीं पे इसको एट कॉस्ट एग्जिट कर लो, यानी कि जहाँ पे बाय किया है वहाँ पे। और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता रहता हूँ कि गाइज आपको एंट्री कैंडल क्लोजिंग पे लेनी है और स्टॉप लॉस भी कैंडल क्लोजिंग पे लेना है, वो इसलिए बोलते रहता हूँ। देखिए, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे, 768 हमारा स्टॉप लॉस था। देखिए, इस लाइन को इसने टच किया है लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दिया है। अगर आप लोग सिर्फ नंबर्स पे प्ले करोगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, इसीलिए जानबूझकर मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि गाइज ऐसा कैंडल क्लोज होने दो, और जब अगला कैंडल उसका लो ब्रेक कर रहा है तो आप लोगों को अपने ट्रेड से एग्जिट कर लेनी। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, अगर एक्टिवेशन हो भी गया है तो भी आपको एट कॉस्ट एग्जिट करने के कई सारे मौके मिले हैं, और कोई भी कैंडल स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो ये या तो हम लोग इसे साइडवेज कंसिडर करेंगे या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस का हम लोग इसे कंसिडर करेंगे। उसके बाद में गाइज देखिए, ये सेकंड वाली एस्कॉर्ट वाली कॉल का भी सेम था। अगर आप लोगों ने राउंड हियर कहीं पे भी अगर ले लिया रहेगा, वैसे तो देखिए ये एग्जैक्टली गैप अप ओपन होने के बाद में जो लेवल टू था हमारा 1211, इसी लेवल से ये गिरना स्टार्ट हो गया था, फिर ये एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन आ रहा है। देखिए,
इसका लॉस लेते सपोर्ट लेते रहते, ये नीचे आ रहा। तो अगर इस किसी लेवल पे आपने एंट्री कर भी लिया है तो देखिए डे का क्लोजिंग इसने इसी लेवल पे दे दिया है, यानी कि इसमें भी आपको एट कॉस्ट एग्जिट का एक चांस था। थर्ड कॉल जो दी थी गाइज मैंने, वो आपको दी थी SBI लाइफ की। SBI लाइफ में अच्छा खासा ब्लास्ट हो गया गाइज, 1022 के ऊपर आप लोग को बाई करना था। 1025, 28, 31 आपको लेवल्स दिए थे, जब ऊपर जा करके इसको रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है तो क्या होता है आप सब लोगों को पता है, मुझसे अच्छा पता है आप लोगों को। 1035 का आज इसने क्लोजिंग दिया है, 22 to 35 काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। सेम मोमेंटम गाइज मैंने अपना यूट्यूब का ग्रुप है उसमें भी दिया था, साथ में पब्लिक ग्रुप है वहाँ पर भी दिया था। यूट्यूब ग्रुप को मैंने 1030 का टारगेट दिया था, एंजल ब्रोकिंग को NSE में, एंजल ब्रोकिंग को मैंने 990 पे आज बाय करवाया था। 1030 का आज के दिन के लिए मैंने टारगेट दिया था, थर्ड लेवल दिया था। आज उसने गाइज 1045 का हाई लगाया है, काफ़ी अंदर कॉल में इंट्राडे के लिए इसमें मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला था। अभी हम लोग देखेंगे कल के दिन के लिए जो मेरे बेहतरीन कॉल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे। उससे पहले गाइज अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि क्या हो जाएगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा, मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग नए हैं गाइज तो सब्सक्राइब करने से आप लोगों को जो भी मैं डेली बेसिस पर यहाँ पर वीडियोज़ पोस्ट कर रहा हूँ सारे चीज़ों के अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएगी, साथ में जो भी एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ इसके भी अपडेट्स मिल जाएगी। ये है एपिसोड नंबर 76, 75 एपिसोड तक हमारा कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं है गाइज, और ऐसी एक्यूरेसी शायद ही कोई चैनल देता होगा। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए गाइज। साथ में गाइज अगर आप लोग टेलीग्राम पे मुझसे नहीं जुड़े तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं अपने ऑप्शन बाइंग के बेहतरीन कॉल्स पोस्ट करते रहता हूँ। साथ में गाइज अगर इक्विटी में मुझे कुछ अच्छे चेंजेस वाले मूवमेंट वाले स्टॉक्स मिलते हैं उनके भी अपडेट्स देते रहता हूँ, और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के जो भी आप लोग को एक दिन में एडवांस लेवल देते रहता हूँ OI चेंजेस के हिसाब से या फिर ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से, कुछ भी मुझे चेंजेस लगते हैं उस बेसिस पे मैं लेवल्स के चेंजेस जो हैं वो भी वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ, तो उसके सारे बेनिफिट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो कल के लिए गाइस पहली कॉल रहेगी इंडिगो की। इंडिगो को हम लोग बाई कर सकते हैं 1811 के ऊपर, 1112 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा 1799 का, 1816, 1821, 1827 अपसाइड के लेवल्स रहेगी। इनकेस बाइंग नहीं आती तो 1799 के नीचे आप लोग सेल कर सकते हैं, 1811 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1794, 1789, 1784 आपके डाउन साइड के लेवल्स रहेंगे। सेकेंड कॉल रहेगी गाइज गोदरेज सिपी की, यानी कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मोमेंटम अच्छा खासा होता है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है स्टॉक में। इसे आप लोग बाई कर सकते हो 1518 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा 1507 का, 1524, 1531, 1537 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आती है तो 1507 के नीचे आप लोग इसे सेल कर सकते हैं, 1518 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1503, 1497, 1492 डाउन साइड में लेवल्स रहेंगे। एक चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है गाइस, आपकी जो एंट्री है और स्टॉप लॉस है दोनों कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। जो लेवल आपको एक्टिवेशन हो रहा है या फिर स्टॉप लॉस हो रहा है दोनों कैंडल क्लोज होना चाहिए गाइस। साथ में जैसे ही आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में आना शुरू हो गया, यानी कि आपका जो स्टॉक बाई या फिर जो भी सेल है वो आपके ट्रेंड के हिसाब से कंटिन्यूशन होने लग गया, आप लोगों को अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेलिंग पे रखना है, ताकि अगर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है तो आप लोगों को मिनिमम प्रॉफिट मिल सके, और अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन हो रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज बनी रह सके सेम स्टॉक में आपके लिए। तो थर्ड कॉल रहेगी गाइस MGL की। MGL को आप 1182 के ऊपर बाई कर सकते हैं, 1186, 1191, 1195 अपसाइड लेवल्स रहेंगे, 1172 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इन केस अगर इसमें बाइंग नहीं आती तो 1172 के नीचे आप लोग इसे सेल कर सकते हैं, 1182 आपका स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, 1168, 1164, 1160 डाउन साइड के आपके लिए लेवल्स रहेंगे। अभी हम लोग देखेंगे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल्स। सारे लेवल्स गाइस जो भी मैं ड्रॉ करता हूँ वो फ्यूचर के चार्ट पे रहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, आप लोगों को फ्यूचर के चार्ट पे ही इन सारी चीज़ों को ड्रॉ करना है, ताकि आप लोगों को प्राइस एक्शन जो है उसके बारे में कुछ भी चेंजेस हो रहे तो उसको कैच करना आपके लिए आसान हो सके। ट्रेडिंग व्यू को प्लेटफॉर्म मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सारे ड्राइंग्स वहाँ पे सेव हो जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट डे मैं अपना PC को लॉगिन कर लूँगा, ये सारे लेवल्स मेरे लिए वहाँ पे रहेंगे, और लेवल टू लेवल जहाँ पे भी प्राइस एक्शन बनेगा मैं इसको ट्रेड करूँगा। तो फ्यूचर पे सारे लेवल्स को ड्रॉ करना है आपको, स्पॉट पे ये लेवल्स
क्योंकि दोनों में जो होता है वो प्राइस डिफरेंस होता है, इसके लिए ये लेवल्स वहाँ पे काम नहीं करेंगे आपके लिए। तो गाइज निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो 15,730 के ऊपर निफ्टी बुलिश हो जाएगी, 15,759, 15,789, 15,821, 15,861 आपके अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। इनकेस बाइंग नहीं आती 15,670 के नीचे निफ्टी जो है वो बियरिश हो जाएगी, 15,640, 15,601, 15,567, 15,513 आपके डाउनसाइड में लेवल्स रहेंगे। गाइज अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और मेरी प्रीमियम सर्विसेज को पाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो फिर उसकी अगर जो भी एक्यूरेसी है वो आप लोग मेरे यूट्यूब कॉल्स को या फिर टेलीग्राम कॉल्स को देख करके पता कर सकते हैं, या कि यानी कि आपको एक आइडिया आ जाएगा उससे कि मेरी जो ऑप्शन बाइंग की एक्यूरेसी है वो क्या हो सकती है। तो सारी चीज़ों को अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलाइस ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके आप मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पा सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90-95% है। वैसे तो 100% है लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, 90-95% ही बोलूँगा। तो आप लोग को अगर वो बेनिफिट लेना है तो आप अकाउंट ओपन करके प्रीमियम सर्विसेज से मेरी सकते हैं। तो गाइज बैंक निफ्टी जो है इसका ये फ्यूचर का चार्ट है, 35,350 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगी फ्यूचर के चार्ट पे। फ्यूचर का चार्ट इसीलिए मैं यूज करता हूं ताकि मुझे ये नीचे के साइड में जो भी वॉल्यूम आता है वो वॉल्यूम दिख सके, इसके लिए मैं फ्यूचर के चार्ट को रिकमेंड करता हूं। 35,350 के ऊपर 35,434, 35,518, 35,601, 35,727 अपसाइड के लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। इनकेस बाइंग नहीं आता है तो 35,200 के नीचे बैंक निफ्टी बियरिश हो जाएगी, 35,113, 35,007, 34,897, 34,748 आपके डाउनसाइड में लेवल्स रहेंगे। तो गाइज ये लेवल्स के साथ में आप लोगों को सेफली ट्रेड करना है, प्राइस एक्शन को ध्यान रखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ध्यान रखना है, वॉल्यूम को ध्यान में रखना है, और जो भी चीज़ें आप लोगों को आती है उनको अप्लाई करके आपको ट्राई करते रहना है, कोशिश करते रहना है, ताकि आप लोगों की जो भी एक्यूरेसी है वो बढ़ते रह सके। ये जो भी मैं लेवल्स आपको देता हूँ ये मेरे मैजिकल लेवल्स हैं, मैं खुद इन पे ट्रेड करता हूँ, तो आप लोग ब्लाइंडली इन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हो। चाहे बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हो जाए, गैप अप हो जाए, चाहे गैप डाउन हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम लेवल्स आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, आप लोगों को सिर्फ प्राइस एक्शन को कैच करना है। ओके तो गाइज ये थे मेरे बेहतरीन तीन कॉल, साथ में मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के कल के दिन के लिए इंट्राडे के लिए लेवल्स भी दे करके रखे हुए हैं, इनके साथ में सेफली ट्रेड कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।